सो वेलकम बैक टू माई चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला एंड टुडे आई एम मीटिंग यू ऑल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एरिया विच इज़ द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. So ecological system theory is a very very important theory which comes as a part of the development we can say. So without any delay we will start with what is ecological system theory. So basically it basically deals with about the child's development. So basically this ecological system theory talks about that how is a child's development affected by their social relationships and the world around them. There is a child, तो किस तरीके से वो जो वो बच्चा है वो कैसे इफेक्ट होगा by the social relationships, जो उसके अराउंड में जो भी social relationships होती है, चाहे वो एक केयर गिवर की रिलेशनशिप हो या फिर वो एक पेरेंटिंग की हो, रिलेटिव एंड द एंटायर वर्ल्ड, तो वो किस तरीके से हिज डेवलपमेंट गेट्स इफेक्टेड. दिस इज बेसिकली जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में आता है और ये एक इस क्वेश्चन को आंसर करता है. बेसिकली किसने बनाया था, तो ब्रॉनफेनब्रेनर वॉज द प्रोटैगनिस्ट जिसको कह सकते हैं, या द मेन हीरो ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉनफेनब्रेनर्स, इनका जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी था, द चिल्ड्रन टिपिकली फाइंड देमसेल्व्स एनमेस्ड इन वेरियस इकोसिस्टम्स. मतलब जो एक इकोसिस्टम होता है, इफ यू टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, सो लाइक वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, जैसे एक एनवायरनमेंट में हम इकोसिस्टम की बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम और देयर आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो इंटरैक्ट करते हैं, उसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल है, किस तरह एनर्जी फ्लो हो रही है. ओके, देन देयर चार तरीके के इकोसिस्टम्स होंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, सो दीस काइंड्स. सो इन द सेम वे इन्होंने भी इकोसिस्टम्स बनाए थे. एंड इट ये जो इकोसिस्टम है, ये एक डेवलपमेंट के पार्ट में इन्होंने पांच इकोसिस्टम्स बनाए थे विच विल स्टडी इन द आगे के उसमें. सो जो चिल्ड्रन होते हैं वो इन इकोसिस्टम्स में से अपने आप को एक इकोसिस्टम में हमेशा मानते हैं. सबसे इंटीमेट होम इकोलॉजिकल सिस्टम से टू द लार्जर स्कूल सिस्टम. मतलब पहले क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंटीमेट होम इकोलॉजिकल सिस्टम होता है. सो फर्स्ट व्हेन जो भी चाइल्ड है, ही इज मोस्ट कनेक्टेड टू हिज होम, तो सबसे पहले वो एक होम इकोलॉजिकल सिस्टम में है जो कि सबसे ज्यादा इंटीमेट होता है. इंटीमेट मींस सबसे क्लोज होगा, तो सबसे पहले देयर इज अ होम इकोलॉजिकल सिस्टम. फिर क्या होता है, होम से वो स्कूल जाएगा, तो फ्रॉम द होम इकोसिस्टम टू द लार्जर स्कूल सिस्टम. And then the most expensive system, जहाँ पर society and culture आता है. So firstly, एक home ecological system है. एक first is your home, then it is your school, and then comes the society and the culture. तो ये सारे ecological systems जो हैं, वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं. And of course, they also influence each other in all the aspects of children's life. So Bronfenbrenner was of the view कि the child will lie in one of these ecosystems and ये सारे ecosystems interact करते हैं एक दूसरे से and वो influence करते हैं each other in all the aspects of the children's lives. So this was the main model of Bronfenbrenner's ecological system theory. And सबसे पहले there is a very intimate one, that is ये एक child है, for this is the child. The child is first in the microsystem. तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम मींस इमीडिएट एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंटीमेट, व्हिच इज वेरी वेरी, अभी वो तुरंत ही इज बोर्न, ही हैज कम टू द वर्ल्ड, तो इमीडिएट एनवायरनमेंट. मीजो सिस्टम में देयर आर कनेक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस, अलग-अलग उसके कनेक्शंस बनेंगे. देन एग्जोसिस्टम इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट. इनडायरेक्ट मतलब जो उसके बिहेवियर को
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, बट थ्रू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लाइंग आउटसाइड द चाइल्ड विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग हिज डेवलपमेंट. उसके बाद आएगा मैक्रो सिस्टम, विच इज़ वेरी ईजी कि सोशल और कल्चरल वैल्यूज से जो रिलेटेड है, जो सोसाइटी जहाँ पर आ गई. एंड क्रोनो सिस्टम मीन्स द चेंजेस, जो ओवर टाइम चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आता है. सो दीज आर द फाइव इको सिस्टम्स विच वर गिवन बाय ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर. इनका एक लॉजिकल सिस्टम था कि सबसे पहले एक माइक्रो सिस्टम होता है. माइक्रो फ्रॉम द नेम इट सेल्फ, माइक्रो इज वेरी वेरी स्मॉल. तो ये एक इमीडिएट इन्वायरमेंट है. द चाइल्ड हैज कम इन टू द वर्ल्ड राइट नाउ. मेजो सिस्टम, उसने कनेक्शन बनाया. एक्जो सिस्टम में कुछ इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट. मैक्रो में सोसाइटी एंड देन द चेंजेस ओवर टाइम. सो कमिंग ऑन टू द माइक्रो सिस्टम, अगेन जैसा कि उस डायग्राम में ही था कि द माइक्रो सिस्टम इज द सिस्टम विच इज क्लोजेस्ट टू द पर्सन. सबसे ज्यादा वो क्लोजेस्ट है, इट इज वेरी वेरी क्लोजेस्ट टू द पर्सन. वो उससे बहुत क्लोज होता है और उसका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा. जैसे कि मान लो उसका होम हो गया, उसका स्कूल, डे केयर, उसका वर्क. तो ये सबसे क्लोज है. इसमें बेसिकली फैमिली आ जाएगी या उसके दोस्त आ जाएंगे या केयर गिवर्स. ये बाई डायरेक्शनल होती है. रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल. नाउ बाई डायरेक्शनल मीन्स दैट इट इज टू साइडेड. इट इज अ टू वे रिस्पॉन्स. टू वे चल रहा है. मीन्स योर रिएक्शंस टू द पीपल इन योर इकोसिस्टम विल इफेक्ट हाउ दे ट्रीट यू इन रिटर्न. मतलब मेरे जो रिएक्शंस होंगे टुवर्ड्स समवन, वो डिसाइड करेगा कि वो हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है इन रिटर्न. सो देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप और अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप. इफ यू द वे यू ट्रीट समवन, यू गेट द रिस्पॉन्स इन द सेम मैनर. तो दिस इज द, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लेवल होता है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एलेक्स. एलेक्स का अगर हम देखें तो उसका सबसे पहला पार्ट मान लो होम एनवायरमेंट. तो उसका उसके पेरेंट्स के संग, उसकी सिस्टर के संग किस तरीके का इंटरेक्शन है. देन इफ एलेक्स का जो स्कूल है, दैट इज ऑल्सो माइक्रो सिस्टम. उसका रेगुलर स्कूल इंटरेक्शन जो हो रहा है विद द टीचर एंड अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, ऑल दीज आर कमिंग अंडर द माइक्रो सिस्टम, हिज इमीडिएट एनवायरमेंट. सेकेंड इज द मीजो सिस्टम. जो नेक्स्ट लेवल है वो मेजो सिस्टम है, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द पर्सन्स माइक्रो सिस्टम. मतलब यहाँ पर जो इंट्रैक्शंस हो रहा है, जो कनेक्शंस, इन द मॉडल इट वाज रिटन द कनेक्शंस. जैसे यहाँ पे द कनेक्शन, तो यहाँ पे किसका कनेक्शन, कि जो इंटरेक्शंस उसके पर्सन के माइक्रो सिस्टम में थे, मतलब जो माइक्रो सिस्टम में जो लोग थे उनके बीच का इंटरेक्शन इज द मीजो सिस्टम. जहाँ पर पर्सन का जो इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर रहा है. मतलब द माइक्रो सिस्टम हियर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बट वो इंटरकनेक्टेड है और उससे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट आ रहा है. तो ये जो इंट्रैक्शंस होता है इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो द मीजो सिस्टम, द इंट्रैक्शंस टेकिंग प्लेस इन द मीजो सिस्टम हैज़ अ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. क्यों? क्योंकि मीजो सिस्टम में जो माइक्रो सिस्टम्स के जो लोग थे उनका इंटरेक्शन होना, द इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द पर्सन्स माइक्रो सिस्टम. तो मीजो सिस्टम के अंदर माइक्रो सिस्टम के लोगों का इंटरेक्शंस. जैसे यहाँ पर अगर एलेक्स का एग्जांपल लें, तो एलेक्स का मीजो सिस्टम क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर. नाउ यहाँ पर जो चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ चाइल्ड इन्वॉल्व नहीं है, बट चाइल्ड का माइक्रो सिस्टम इन्वॉल्व है. चाइल्ड का माइक्रो सिस्टम यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर और होम स्कूल था. तो अब जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज अकरिंग बिटवीन द टीचर एंड द पेरेंट्स. तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग की द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो सिस्टम अकर इन द मीजो सिस्टम एंड इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड. यानी कि पेरेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द चाइल्ड. तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर उसके पेरेंट्स एक एक्टिव रोल ले रहे हैं स्कूल में, ही इज अटेंडिंग पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, वॉलेंटियरिंग इन द स्कूल, एवरीथिंग. तो इसका क्या आएगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द डेवलपमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स काम कर रहे हैं. एंड अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे, इफ दे विल वर्क अगेंस्ट, तो नेगेटिव होगा.
ठीक है, तो अगर वहीं पर इफ देर इज अ वेरी बैड कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड द टीचर्स, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो चाइल्ड पे पड़ेगा. तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट इट इज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, बट ये इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो मीजो सिस्टम के अंदर माइक्रो सिस्टम के एलिमेंट्स का इंट्रैक्शंस होता है, एंड वो डिसाइड करेगा कि इम्पैक्ट विल बी पॉजिटिव और इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव. ओके, द थर्ड इज द एक्सोसिस्टम. एक्सोसिस्टम में जो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट है, अगेन इनडायरेक्ट, अब यहाँ एनवायरनमेंट आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सेटिंग जिसमें पर्सन एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्ट हो रहा है. पर्सन इज नॉट एक्टिव, कोई भी यहाँ पे एक्टिव पर्सन नहीं है. जैसे दिस इंक्लूड्स डिसीजंस दैट हैव बियरिंग ऑन द, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे पर. तो यहाँ पे डिसीजंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, बट जो डिसीजन आएगा वो आपको इम्पैक्ट करेगा. जैसे द चाइल्ड बीइंग अफेक्टेड बाय पेरेंट रिसीविंग अ प्रमोशन एट वर्क और लूजिंग द, जैसे यहाँ पे चाइल्ड जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ द पेरेंट है, या तो उसका प्रमोशन होना है, या उसका प्रमोशन रुक गया, या फिर उसने जॉब लूज कर दी, या फिर प्रमोशन हो गया, ऑल दीज थिंग्स दिस इज नो वेयर रिलेटेड टू द चाइल्ड. ये चाइल्ड का इसमें कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, बट द पेरेंट्स प्रमोशन और द पेरेंट्स लूजिंग द जॉब, इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ऑन द चाइल्ड, वेयर द चाइल्ड इज हैविंग नो एक्टिव पार्टिसिपेशन. कहीं पर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था चाइल्ड का. सो दिस इज द एक्सोसिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मीजो एंड एक्सो. मीजो में चाइल्ड का ही माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करता है. अगर चाइल्ड का वहां पे माइक्रो सिस्टम जो है वो पेरेंट्स है, टीचर्स है, होम है, ये है, तो वही इंटरेक्ट करेंगे इन द मीजो सिस्टम. तो वहां पे तो चाइल्ड का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, बट एक्सो सिस्टम में चाइल्ड का कहीं से भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट फिर भी उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है. दिस इज एक्सो सिस्टम, जहाँ पे इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़े. अब जैसे इसका क्या है, एक्सो सिस्टम का, उसके फादर का वर्क प्लेस. जैसे अगर उसके फादर ही इज इन नेवी, ही दिस ऑफन टेक्स हिम अवे फ्रॉम द फैमिली एंड ही डज नॉट सी हिज फादर फॉर मंथ्स एट अ टाइम. तो ये सिचुएशन एलेक्स को इम्पैक्ट कर रही है. ही बिकम्स एंशियस जब उसके पापा लीव करते. तो हिज एंजाइटी इज एन इम्पैक्ट ऑन हिज डेवलपमेंट इन अदर एरियाज, राइट. तो इसका जो एंजाइटी है उसकी इम्पैक्ट उसके डेवलपमेंट पे पड़ रही है इन अदर एरियाज, इवन दो उसका कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है इन हिज फादर्स वर्क, और ना ही उसका कोई से है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू हिज फादर. दिस इज द एक्सो सिस्टम. द नेक्स्ट इज द मैक्रो सिस्टम. मैक्रो सिस्टम सबसे लार्जेस्ट है और सबसे डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस टू द चिल्ड्रन दैट स्टिल, जैसे वही सोसाइटी एंड कल्चर, द सोसाइटल वैल्यूज एंड कल्चर. तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है और सबसे डिस्टेंट होता है. जैसे उनके कल्चरल पैटर्न, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या आइडियाज हैं. जैसे चिल्ड्रन इन वॉर टॉर्न एरियाज विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट. जैसे अगर आपका बहुत ही नॉइजी इन्वायरमेंट है, सो दैट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट होगा देन दोज हु आर इन अ वेरी पीसफुल इन्वायरमेंट. तो और द लास्ट इज द क्रोनो सिस्टम. क्रोनो सिस्टम सजेस्ट दैट इट एड्स द यूजफुल डायमेंशन ऑफ टाइम. टाइम हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि इसमें चेंज भी है और इसमें कॉन्स्टेंसी भी है, दोनों इम्पैक्ट करती है. सो हेयर देर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज एंड कॉन्स्टेंसी इन द चिल्ड्रंस एनवायरमेंट. जैसे कोई फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, एड्रेस में चेंज आया, पेरेंट्स के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आ गया, सोसाइटी चेंजेस आ गई, इकोनॉमिक साइकिल वॉर आ गया, तो ये जो चेंजेस जो ओवर टाइम होते रहते हैं, इसमें जो है वो ये क्रोनो सिस्टम में आएगा. और इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ चेंज एंड ये चिल्ड्रन के एनवायरमेंट पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है. ठीक है, जैसे कि डिवोर्स हो गया चाइल्ड के पेरेंट का, तो इट वुड इफेक्ट अ 5-year-old चाइल्ड डिफरेंटली. और ये अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा. जैसे द डिवोर्स ऑफ द पेरेंट्स विल इफेक्ट द 5-year-old चाइल्ड डिफरेंटली एंड 17-year-old डिफरेंटली. सो दिस इज द क्रोनो सिस्टम, द चेंजेस विच आर अकरिंग ओवर टाइम एंड उनके जो इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं.
तो जब हम इकोलॉजिकल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर का ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है कि किस तरीके से देर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, मतलब कितने अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंस जो है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट पे पड़ रहे होते हैं, एंड द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट चिल्ड्रन आर इन कैन सेंसिटाइज अस टू वेरिएशंस इन द वे दे मे एक्ट। और ये जो अगर हमें इन कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस है कि वो किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, यू नो इट, वो हमें सेंसिटाइज कर सकते हैं टू द वेरिएशंस कि वो किस डिफरेंट सेटिंग्स में किस तरह पे वो काम करेंगे। सो दिस इज द इंटायर ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, जहाँ पर 5 लेवल होते हैं, द 5 लेवल्स, विच इज द एक चाइल्ड माइक्रो सिस्टम, द इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट इज होम फैमिली और वॉट एवर जो कि उसके सबसे क्लोजेस्ट है माइक्रो, मीजो में क्या है कनेक्शंस दैट इज माइक्रो सिस्टम का जितने भी कनेक्शंस का इंटर रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस जो पड़ रहा है दैट विल द मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम जिसमें चाइल्ड का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है बट फिर भी डिसीजन मेकिंग इज इम्पैक्टिंग हिम और हर, मैक्रो सिस्टम मतलब सोशल और उसके कल्चरल वैल्यूज, उसके आइडियाज, उसके बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, एवरीथिंग, एंड क्रोनो सिस्टम मीन्स द चेंजेस विच आर अकरिंग ओवर टाइम। सो दिस इज द ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर्ड्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच इज द बेस्ट थ्योरी, ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर्ड्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी मीन्स बेस्ट। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस, द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो थैंक यू, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल।